घर में आई प्रतीक की बहन प्रेरणा दी और प्रेरणा दी ने प्रतीक और नेहा की दोस्ती पर उठाए सवाल। जी हाँ, क्या कहा है नेहा और प्रतीक की दोस्ती ने, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल नेहा और प्रतीक की दोस्ती जो है उनके कनेक्शन के साथ ही बहुत ज़्यादा बड़ी और उनकी दोस्ती ने कई सारे लोगों को ऑकवर्ड फील भी करवाया, सिर्फ ऑडियंसेस में ही नहीं घर के अंदर भी, जिसकी वजह से मूज जट्टाना को भी फटकार पड़ी थी इस वीकेंड पर कि वो बार बार बोलती थी कि इनकी दोस्ती बड़ी वियर्ड है, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील करवाती है। जिसके बाद घर में आई फैमिली वीक के दौरान प्रतीक की बहन ने भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रतीक के सामने रखा कि जो घर के अंदर हो रहा है वो थोड़ा ऑकवर्ड तो ज़रूर है। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि प्रतीक, आपकी और नेहा की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है और ये बात हम समझते हैं, लेकिन इस दोस्ती को दोस्ती की लिमिट में ही रखा जाए तो बेहतर होगा। जी हाँ, उन्होंने बातों ही बातों में ये चीज़ कह दी कि ये दोस्ती जो है दोस्ती की लिमिट से थोड़ी ज़्यादा जारी है। दोस्ती में एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री आपको ही तय करनी होगी, वरना ये बाहर बहुत अजीब दिख सकता है। आपको बता दें कि नेहा और प्रतीक की दोस्ती जो है वो थोड़ी सी दोस्ती के लेवल से एक पॉइंट आगे है, जहाँ बार बार नेहा ये बोलती हैं कि वो नो फिल्टर हैं, वो ऐसी ही हैं बाहर भी, वो इसी तरीके से बिहेव करती है, वहीं कहीं ना कहीं उनकी जो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी है वो काफ़ी लोगों को ऑकवर्ड फील करवा देती है। तो ये सारी चीज़ें जो घर के अंदर हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके लिए बाहर घर वालों को देखने वाले ऑडियंसेस ने बहुत बार आपत्ति जताई है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस बार जो है घर के अंदर आए गेस्ट भी कह रहे हैं और स्पेशली जब प्रेरणा दी कह रही हैं जो कि प्रतीक की बहन है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने वाली बन जाती है। प्रेरणा दी के जाते ही प्रतीक काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि ये उनके लिए एक फैमिली बॉन्डिंग मोमेंट था। इतने दिनों से फैमिली से दूर है, 5 हफ्तों से फैमिली से दूर है, तो डेफिनेटली एक इमोशनल मोमेंट तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीख भी उन्हें याद रखनी चाहिए जो उनकी बहन उनको घर में आकर देखी गई हैं। जिसके बारे में आप सभी लोगों का क्या है रिएक्शन, ज़रूर जानना चाहूँगी मैं। कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है। बाकी मैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारी लेटेस्ट खबरें एकदम लेटेस्ट तरीके से आप तक पहुँचती रहें।